हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी रोशन गार्डन में एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पर हम डेंथस का सीड्स निकालना है। ये जो दो वैरायटी थी डेंथस और सीटुलम, लगभग एक ही तरह की फ्लावरिंग थी और इनके सीड्स भी लगभग एक ही तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम। आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर के दिख रहे थे, वो रखे हैं, पड़े हैं, पहले से मैंने निकाले थे अभी पहले कुछ देर पहले। तो वो है डेंथस का सीड्स और ये बहुत ही कम निकल रहे हैं, इसमें पूरे समय भर भर के नहीं निकल रहे हैं, काफ़ी धूप होने लगी, फ्लावरिंग पहले से सूख जा रही है, तो इसके कारण इसमें सीड्स ज़्यादा नहीं निकल पा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। कई फ्लावर एक तो छोटे पॉट में है, इसलिए इसमें सीड्स की थोड़ी दिक्कत आ रही है, सीड्स नहीं बन पा रहा है। इसी तरह यदि आपको सीड्स निकालने हैं तो आप जो भी प्लांट है उसमें सीड्स के जो जहाँ जर्मिनेट हो रहे हैं वहाँ पर वाटर ना डालें, उसमें वही हुआ है, इसमें वाटर पड़ चुका है, सीड्स जो भी हैं तो वो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन अब देखते हैं कितने कितने सीड्स, थोड़े सीड्स और निकले हैं और देखते हैं, ट्राई करते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं किस तरह सीड्स निकल रहे हैं, जैसे चार या पाँच छः एक निकल रहे हैं सीड्स। पहले जो मैंने कली तोड़ी थी उसमें देखिए एक कली में कितने सारे सीड्स निकल आए, और उसके बाद में नहीं निकल पा रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियोस के लिए उसमें सारे मैंने वीडियो डाल रखे हैं कि कैसे डहेलिया का सीड्स निकालें, और जितने भी फ्लावर लगाए थे मैंने सबके सीड्स के वीडियोस पढ़े हैं, आप चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। ये देखिए सीड्स निकल आए, अब इन्हें एक लिफाफे में या एक पन्नी में पैक करके रख दीजिए, फिर नेक्स्ट सीजन आता है फिर इन्हें ग्रो करते हैं। तब तक के लिए इन्हें लिख के डिटेल में डाल के वीडियो रखते हैं, इन्हें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।